जी खैर से आज टाइम की कमी है तो मैं स्पीड में जा रहा हूँ। और बाद में मुझे था कि मैं आज ऑप्शन दूंगा आपको कि आज हम बना रहे हैं वैसे शाही टुकड़े, वो भी दिल्ली वाले स्टाइल के, बड़े मशहूर शाही टुकड़े होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनने हैं, बड़े आसान है। दे आर टू डिफरेंट बट नॉट टू मैनी डिफरेंट स्टाइल शाही टुकड़े, डबल का मीठा भी कुछ कहते हैं। एक होता है दूध वाले, जिसको मैंने सीखा था अपने ज़माने में, मैं वेरी यंग, मैं होटल में होता था तो वैसे एक शेफ थे रजाक भाई, उन्होंने बनाए थे। वो दूध शेरन होटल ज़माने में होता था तो वो उसको हम बेक करते थे तो जूस जो है बड़ा थिक जूस था, दूध जो है ना वो बड़ा थिक सा हो जाता था तो बहुत मज़ा होता था। खैर हर एक का जायका उनके हाथ में था तो वो मैं कभी कभी बनाता हूँ। आज शीरे वाला जो मुझे बहुत पसंद है, शीरे वाला टिपिकल शीरे वाला विध ज़बरदस्त इसकी खोई वाली टॉपिंग होगी, बहुत ईजी सिंपल, आप आसानी से बना सकेंगे। अच्छा काम करते हैं, कुछ चीज़ें मैं ईजी कर ली हैं। पहले तो हम एक क्या कर रहा था मैं, चीनी का शीरा बना लेते हैं ताकि ये हमारा एक चीज़ साइड में हो जाए। सवालात मैं बहुत ले नहीं पाऊँगा और आई थॉट कि आज मैं आपको ज़रूर इसका एक लाइटर वर्जन मैं कभी और दिखा दूंगा, टाइम की कमी है। आज इत्तेफाक से मुझे एक 4:30 पे एक ऑफ फोरम पे होना है, वो अगर आपसे वो रेसिपी मिस हो गई है या नहीं देखी आपने, फॉर ईद के लिए बेहतरीन है, फॉर सैंडविचेस के लिए स्लाइडर्स चिकन फहीदा स्लाइडर्स, तो आप मैं पेज पे अनाउंस कर दूंगा MPFHS सही जी। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम पहले तो शीरा बना लेते हैं ताकि ये ज़रा हमारा साइड में हो जाए। 3 कप मैं यहाँ पे चीनी ले रहा हूँ, यू नो व्हाट 2 कप भी काफ़ी होंगे मेरे, आज भी 2 कप। अच्छा मैंने ब्रेड छोटी ली हुई है, अगर आपको बढ़ाना हो ब्रेड बढ़ा लीजिएगा, पर रेसिपी ये रखिएगा 2 कप के अंदर लग सके आप तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे, 1.5 कप पानी डाल रहा हूँ सही, यानी कि जितना चीनी है थोड़ा कम पानी डाल देते हैं और इसको उबाल पे ले आते हैं। इसको लकड़ी का चम्मच ले लेता हूँ मैं। अच्छा जी अलग कॉपर चीनी के लिए बेस्ट होता है, बस हिला हिला के ये काम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिला देता कि चीनी बैठे ना, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ। अच्छा जी क्विकली बता दूँ लाइटर वर्जन आपको बनाना है, ये डीप फ्राई मैं आपको दिखाऊंगा मैं डीप फ्राई कैसे कर रहा हूँ। आपने हल्का सा स्प्रे कर लें ऑयल का और ना भी करें टोस्टर में डाल दें इसको, सही है टोस्टर में टोस्ट हो जाएगा, या फिर ओवन के अंदर रखते हैं 250 पे हल्की आंच पे, या ऐसे ऐसे क्रंची हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक एक्स्ट्रा फ्लेवर तो बटर लगा के कर दें तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाएगी और स्टिल लाइटर देन जो घी में फ्राइंग होता है उससे बहुत कम बेहतर हो जाएगा। इसको ओवन में 250 पे बेक कर लें, क्रिस्पी हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा, ये कलर आ जाएगा। दूसरा दूध, आप जब चीनी यूज़ कर रहे होंगे चीनी तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, चीनी मकदार कम कर सकते हैं अगर आपको अपनी कोई चीनी, आपको डायबिटीज़ है तो वो वाली चीनी जो डायबिटिक्स के लिए होती है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा काम आप और कर सकते हैं कि दूध की जगह लाइट इसका मिल्क दूध यूज़ कर सकते हैं, खोई की जगह इसके मिल्क पाउडर उससे इसको गाढ़ा कर लें, तो ये अगेन ये आपके हाथ में। आई थॉट मैं आपको दिखाता लेकिन आज टाइम नहीं है, कभी और बना लेंगे। 3-4 इलायची यहाँ ले लेते जरा, क्या है इलायची अल इलायची मज़ेदार इलायची नहीं तो मैं 3-4 ले आया, 3-4 ले लेता हूँ, थोड़ा सा कूट लेते हैं ठीक जी। तक है कि इलायची कूटे हैं तो उसके बीच आप चाहे छिलके समेत डाल दें, हम मैं छिलके बगैर डालूंगा सही जी, उससे क्या होगा कि दर अच्छी खुशबू दालों की जो खुशबू है वो आ जाएगी इसमें। अच्छा बड़ी महंगी हुई इलायची, अब तो पान वाले भी इलायची का एसेंस दे रहे होते हैं भाई, पान की दुकान इलायची तो होनी चाहिए, कहते हैं बहुत महंगी हुई इलायची। खैर यहाँ बहुत सी चीज़ें महंगी हुई हैं, इलायची भी, क्योंकि इलायची हमारे यहाँ होती नहीं है बाहर से आती है तो बहुत हाई हो गई है। अच्छा जी अब मैं दाने को पीस रहा हूँ, दाने को पीसने में बड़ी अच्छी खुशबू आती है, ब्यूटीफुल।
चलाते रहे। बस ताकि अगेन देखें ऐसे ऐसे चीनी बैठ रही है, तो इसको हम रोक रहे हैं क्योंकि नीचे बैठेगी तो जलने का खतरा होता है, तो गाय बकाश को जला लेंगे। और चला लेंगे कोई सवाल है? बहुत सारे सवाल। कैसे जवाब? ठीक ठाक है सब लोग, खैरियत से? अच्छा जी, कुछ सैयद अज़ीज़ुर रहमान, यू आर द ओनली शेफ हु यूज़ नेचुरल कुकिंग स्टाइल। सवाल, बेस्ट आइडिया टोस्टेड, वाओ लव दैट, सारा मीर। हाँ, टोस्टर में डाल दे। आइडिया क्या होता है मैं बताऊँ, क्यों हम तलते थे पहले ज़माने में, जब ये लोग तलते थे तो उनके पास टोस्टर वोस्टर थे नहीं, तो वो अच्छा बहुत सी रेसिपीज ना ये गोरे से आई हुई है। अब ब्रिटिश दौर में गोरा यहाँ था, और गोरा जब खाता था तो साहब लोगों के जो खाने बनते थे तो बाबू लोगों ने कहा कि हम भी अपने इलाके में जाके ट्राई करेंगे, दुकानें लगाएंगे, पैटीज उनके ज़माने का है, पाउंड केक इस ज़माने का है। तो ये ब्रेड पुडिंग की एक शक्ल मुझे समझ आती है कि उनके जो दरबार होते थे निज़ाम दक्कन के यहाँ, ये सब गोरे शेफ भी होते थे इनके यहाँ, तो वो उस वक्त तो वो बेक कर लेते होंगे किसी ना किसी तरह आई नो। पर बेक क्यों करते हैं कि शीरे में अगर आप कच्ची ब्रेड डालेंगी तो वो बिल्कुल ठुस हो जाएगा, इसलिए इसको ये फ्राई करते हैं ताकि थोड़ा कड़क हो जाए, शीरे में जाने का जान पकड़ ले। तो आइडिया ये है, इसको घी पिलाना आइडिया नहीं है कहीं से भी। अच्छा, एक सॉरी सारा मीर की बात में सुनते हैं, सिर्फ ये देख लें कि ये उबाल आ गया। अब आपने एक से दो मिनट इसको उबाल के रखना है। शायद लेमू है या सिरका है? अच्छा, मैं हरी से कहूँगा नहीं डाले, कुछ लोग टाटी डालते हैं, एक एक ड्रॉप, एक चुटकी। और मैं बिल्कुल ये मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तो इसमें चमक अच्छी आ जाएगी चीनी शीरे में आपकी, मुश्किल से दो ड्रॉप, एक ड्रॉप बल्कि। ये देखें ये अच्छा, ये क्या करेगा, ये क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा इसको, जमेगा नहीं और हमें जमाना भी नहीं है। हमने बस इसको यहाँ तक रोकना है कि उबाल आने के बाद घड़ी देख के एक से दो मिनट पकाना है आपने, ज़्यादा नहीं। सही। अच्छा, सवाल क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं थी, एक इन्फॉर्मेशन थी जो दो तीन लोग बता रहे थे। शेफ, डोंट थ्रो द ग्रीन छिलका, पुट देम इन योर टी जार। इलायची का जो हाँ, थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग आइडिया। सेम आई डू विद वनीला, जब वनीला बीन्स कभी कभी बहुत कम वनीला बीन्स, उसको मैं चीनी में डाल देता हूँ तो हमारी चीनी जो वनीला चीनी बन जाती। आई लाइक द आइडिया। वो कौन थी भाई इतनी जहीन खातून? सारा मीर। सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग, एजुकेटिंग अस। सेम यही। अच्छा समीन भाई, बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अच्छी खबर है कि सुन ले लोग जो मुझे देख रहे हैं उनकी ना पढ़ पाए। ये कह रही इलायची का जो दाना है और आपने निकाली इलायची के छिलकों में ना फेंके, खुशबू उसमें भी होती है, तो चाय जो होती है चाय की पत्ती उसमें डाल दी, मैंने चाय में भी आ जाएगी आपकी, तो चाय पर खुशबूदार चाय हो जाएगी, यानी एक टिकट में दो मज़े हो जाएंगे। आई लाइक द आइडिया, स्मार्ट। अच्छा जी, मैंने शीला बंद कर दिया। सही। अच्छा, ये कच्चा इसमें से एक एक तार का शीरा, ये तो तार वार नहीं बनाइएगा, तार बनाया तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसको मैं चूल्हे से हटा लेता हूँ, तो यहाँ नहीं आते। सही, ये हो गया। इसके अंदर बिल्कुल कच्चा शीरा है, उबाल के बाद दो मिनट पकाना है आपने, दैट्स इट। और ये इलायची के दाने इसमें डाल देते हैं खुशबू के लिए। और भाई जलते का रंग लोगों को बहुत पसंद होता है, तो ये मेरा फूड ग्रेड लेमन कलर है, येलो कलर, बस देख लीजिएगा आपको जो पसंद हो, नहीं डालना ना डालें। और निकलता हुआ कलर, खास में दिल्ली के बड़े मशहूर हैं, दिल्ली हमारे पास एक अब्बा मियाँ कहते हैं उनको, वो दिल्ली के जो खास पकवान बावर्ची वो हैं शादी खाने, तो उनकी रेसिपी है, उसको हमने और छोटा कर लिया है। तो वो कहते हैं दिल्ली में मियाँ बड़े शौक से खाए जाते थे, तो रंग उनका है निकलता हुआ फुल्के, बस बताया उन्होंने जामा मस्जिद। सो मेरा, मैं दिल्ली बहुत बचपन में गया हूँ, लाइक लिटरली मैन वो लाइक, मुझे वहाँ किसी पालिका मार्केट याद है, बाकी बहुत ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद की भी थोड़ी बहुत यादें रह गई हैं। लेकिन बॉम्बे मेरा बहुत यंग, अभी रिसेंटली मेरा विजिट हुआ था बॉम्बे जाने का, तो वहाँ की जो चीज़ें मुझे टेस्ट बड्स अभी तक याद है, बट दिल्ली का मुझे बहुत सारा कुछ याद नहीं है। अच्छा जी, देखिए ये हल्का सा कलर आपने आ गया, आप चाहें और ऑरेंज करना चाहें कर दें, आए मेरा दिल
नहीं जान मानता कि मैं बहुत ऑरेंज कलर उसको सही हल्का सा बराबर कर दिया। ये बेसिकली जर्दे कलर है भी नहीं, जैसे येलो कलर। अच्छा ये चूल्हा बहुत गर्म हो गया धुआं, तो मैंने ये फ्राई करके रखे हुए पहले। मैं सिर्फ वक्त की कमी के लिए मैंने इतनी स्पीड कभी नहीं किया करो, पता है तुम इतनी स्पीड में करते हो दिल तेल जल जाता है। प्लीज़ खुदा के लिए अभी शायद मैंने ये किया कि मेरी हेल्प करने के लिए उन्होंने स्पीड टेस्ट कर दी चूल्हे की। चूल्हा जितना तेज़ आप रखेंगे आपकी आपका तेल उतनी जल्दी जलेगा, तो मेक श्योर कि चूल्हे आँच इतनी तेज़ ना हो कि आपका तेल ख़राब नहीं होगा। ये दो आराम से चार पाँच दिन भी चल जाए, लेकिन जब उसको स्मोकिंग पॉइंट पर ले आते हैं धुआं आ जाता है, जिस टाइम यहाँ पर धुआं आया ये दिस इज़ रॉन्ग। अच्छा हम वापस आएंगे एक दो मिनट बाद उसको। उन लोगों को जिनको नहीं पता तलते कैसे, मैं दिखा दूंगा तलना, सही है ना। वरना आपने ये करना है कि तलने के बाद बेशक डायरेक्ट डाल दें या इसको थोड़ी एक दो मिनट बाद जब तल के मैंने हमने यहाँ रख लिए अब डाल दें। शीरा बहुत गर्म ना हो, सही ना, उतार के रख लीजिए दो चार पाँच मिनट से हिला लीजिए ताकि शीरे के अंदर बहुत गर्म होगा ना शीरा, तो वो आपकी जो रोटी है बिल्कुल बैठ जाएगी, तो ये आपने नहीं करना। अच्छा यहाँ पर हमने बड़ी ज़बरदस्त कोई मिनी बच्चा साइज की ब्रेड मिली थी वो ले लिए, आपकी पसंद है, आप बड़े पीसेस ले लें स्लाइस ले लें, उनको आप रेक्टेंगल में काट लें स्क्वायर काट लें, क्योंकि हमेशा से हम देखते आए रेक्टेंगल तो हम भी लकीर के फकीर बन जाते हैं, बट दिस इज अ गुड आइडिया। अच्छा आपके पास कोई अच्छे थाल होगा, थाल नहीं थे ये एक के ऊपर एक नहीं आएंगे क्योंकि इसमें स्ट्रोक होना है, नहीं थाल पर सजेंगे। जो तिकोन वाले आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो बेस्ट और टूटी बहुत है इसको आप थाल में सजा लें, सही। तो मैं थाल देता है बड़े 12 इंच की प्लेट है हम उस पर रख लेते हैं। ये किया तो चार को कैसे कर सकता हूँ, चले ये बातें करने में ही होता है। अब मैंने डाल दिया क्या करूँ, इनको तलना था मुझे आपको दिखाने के लिए। तो अब वो लोग जो देख रहे हैं, कच्ची ब्रेड लिया आपने धीमी आँच पे तली और नाइस लाइट गोल्डन कर लें करके निकाल के इसमें डाल दें, सही जी। तो ये आपके लिए था। एनीवे थैंक यू शायद यार मुझे थ्रो ऑफ करती है यहाँ से। अच्छा जी इसको एक दो मिनट रहन दीजिएगा ताकि भाई ये अच्छी तरह सोक कर ले। शीरा आपका बहुत गाढ़ा हुआ तो ये अंदर तक नहीं जाएगा, ये इम्पोर्टेंट, सही। और शीरा आपका अगर बहुत गर्म हुआ तो इसकी ब्रेड को बिल्कुल बिठा के हलवा कर देगा, सही। तो अभी हम यहाँ ही कर रहे हैं, दो तीन मिनट लगेंगे, अब हम बातें कर सकते हैं आपसे। जी जनाब ओके। हाँ हंस रहे लोग, बता दो क्या हो गया। समरीन सिंह सलमान ओ ये तो फ्राई करनी थी। हाँ नादिया वसी वेरी नाइस। नौशीन हैदर सिंह इट्स ओके। भाई क्या लोग गलतियां नहीं करते, ये तो शुगर है। मैं बावर्ची हूँ लेट्स से कि ब्रेन सर्जन या हार्ट सर्जन, वो गलती करे उसका क्या होगा, हमारे पास तो चांस है, उसकी गलती से बंदा ही नहीं बचेगा। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से हो गए फैसल मसीह एटली टाइम फॉर मार्जिन। तो आई एम श्योर दैट डॉक्टर से कि डॉक्टर की गलती से अब आपके बाद बंदे बचने के चांस नहीं है, तो सही ब्रेड जाया हुई है इस्तेमाल कर लेंगे। हो गए हाँ जी फैसल मसीह थिंक कैन वी यूज खोया विद शाही टुकड़ा। बिल्कुल क्यों नहीं, अभी हम यूज़ करेंगे। अच्छा जब तक ये हो रहा है मैं इसको बल्कि दूध वाले पार्ट पे भी आ जाओ। अच्छा मुझे याद दिलाया लेट्स। अच्छा जी एक हम एक और इस साइड पे करना है टॉपिंग बनानी, आधा लीटर दूध लेंगे पूरा एक लीटर देखेंगे। अब अच्छा जी ये हाफ लीटर दूध लेंगे, एक लीटर में ज़्यादा है इसके साथ। हम कुछ भी नहीं डालेंगे, देयर विल बी नथिंग टू इट, राइट। निकालते जाएं यहाँ पे दबा के सोक करते जाएं, ये बड़े मजार बनेंगे। चाय कीजिएगा ईद के लिए जहाँ सेवैयाँ बनती हैं इसको बनाइएगा। हमारे यहाँ एक बड़ी मजार सेवैयाँ बनती हैं जो कि
नई जनरेशन को पसंद नहीं, बट वी कॉल मुजाफर, कुछ तो जाफरानी सेवैयाँ, कुछ इमामी सेवैयाँ, कुछ सेवैयों को जर्दा कहते हैं उसको। मेरी बेगम आ गई है तो मैं उनसे पूछूंगा भाई मुझे ज़रा सही से फौर याद दिला दें। अहमद अहमद आस्किंग, आपने बॉटल से क्या डाला था वो पीछे? और सिरका, मैंने एक ड्रॉप सिरका डाला था, बिल्कुल एक ड्रॉप, मेरे से एक ड्रॉप, एक ड्रॉप। आप एक ड्रॉप लेमन जूस डाल सकते हैं, एक चुटकी टाटरी ऐसे वो जो वो डाल सकते हैं। सही है जी, टाइम पे दोनों को 4:30 बजे वहाँ जाना है, दूसरे ग्रुप पे जा रहे हैं। अच्छा जी, शहजाद 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 इसी बंद करो बेटा, क्योंकि एक इसको दूध हमारा पक रहा है, जैसे कि मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यहाँ ले रहा हूँ, चाहिए इसमें 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसको घोल के रख लेते हैं। किसी ने कहा ये लोटा लग रहा है आपका ना, जग चेंज कर लें, मैंने लिखा कि बॉस जग चेंज नहीं करें, आप मुझे भिजवा दें भी, एक्सेप्ट ऑल दो गिफ्ट्स जो आप भिजवाना चाहते हैं, मेरे गिफ्ट भिजवा दें। हम अगर आपका सजेशन है कि चेंज करना है तो आप भिजवा दें। सही जी, अहमद जोक। अच्छा जी, बेटा कोई सवाल है तो बता देना, मैं अभी टाइम में बात कर सकता हूँ। मैं ओके बिलाल सिद्दीकी आस्किंग व्हाट कुकिंग। अच्छा, एक तो ये सवाल बिलाल भाई, ये है शाही टुकड़े, सही। और अच्छा हाँ, एक और चीज़, रेसिपी रिपीट नहीं करते आप, ये मून जुमला होता है कल साहब ने आज, तो बिल्कुल रिपीट नहीं करते बॉस, रिपीट वो टीवी का दौर था जब रिपीट होती थी, अब जरूरत नहीं है, इट्स नॉट टीवी। अब आप वापस जाके आराम से आगे कुछ अपने हाथ से कर सकते हैं, अपने ईजी पे देख सकते हैं। और होता क्या है कि इतनी चीज़ें होती हैं और फिर मैसेजेस पे लोग नाराज होते हैं, वहाँ नाम नहीं लिया तो बहुत कुछ होता है, चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसलिए माजर सही जी। इसको मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया हूँ यहाँ पे इसको सोक करने के लिए, तो आप सुकून से इसको सोक पे रखिएगा, एक थाल काफ़ी है, थाल मुझे थाल। अच्छा जी, जो शीरा है हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो बताऊँ क्या करना शीरे का। पहले तो आ जाए, ये दूध उबाल आ गया, इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाला आपने, पूरा नहीं डालूंगा, सही जी, आधा डाल के जिनके पास वो नहीं मिलता खोया, पाकिस्तान से बाहर है, दूध थोड़ा सा इसी तरह गाढ़ा कर लें, आप कंडेंस मिल्क डाल दें, दूध को बहुत गाढ़ा मत कीजिएगा मतलब, लेकिन कंडेंस मिल्क डाल दें आप, दैट वुड बी वेरी नाइस, आप उससे भी काम चला सकते हैं, कंडेंस मिल्क में थोड़ी सी डेंसिटी आ जाएगी दूध की बदौलत, और ये जो कॉर्नफ्लावर डाल रहा है उसकी वजह से वही लग जाएगा। अच्छा, मोना खान आस्किंग लुकिंग गुड, ब्रेड इज क्रिस्पी फ्राइड, सॉरी ब्रेड क्रिस्पी फ्राइड, डिड यू फ्राइड ऑन मीडियम हीट? जी जी मीडियम हीट, हाँ तेज आंच में काला कर देगा। अच्छा, ये आपने क्या करना है, शीरे को बड़े प्यार से इसमें शीरा अगेन देखें कच्चा स्टिच करना है, कोई बड़ा तार देखने, कोई तार वार नहीं बनना, बिल्कुल किस तरह बह रहा है, ये इतनी स्पीड से इसकी आखिर तक ड्रॉप गिर रहा है, सही है। उबालना है चीनी को पानी के साथ, और जैसे ही आपकी वो स्टेज आ जाए, उबाल आ जाए, उसका 2 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद कर दें, तो मेक श्योर किनारे ना इम्प्रूव जरूर डालिएगा, क्योंकि किनारे फ्राई करना थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, तो ये प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। ईद पे शायद मैं, हम तो खैर लाइव नहीं होंगे, लेकिन बना के अपनी ट्रॉलीज की तस्वीरें, खासतौर पर अगर आपने कोई हमारी रेसिपी बनाई है शेयर करिएगा ज़रूर। आई ट्राई टू गो लाइव एंड से हेलो टू यू गाइस फ्रॉम समवेयर,
जल्दी ई कौन देखिएगा कुकिंग है जी। बच गया कि मैं देखूंगा और शो कल पड़ी तुम डाल देंगे। लेट्स डू दिस। कौन सी चम्मच यूज कर रहा था मैं उसको कर लेता हूँ। नहीं है बीबी और गाढ़ा होगा। ये कौन सा ये बस गाना था मैंने क्या वापस चल गया आपने कहते। अच्छा कौन सा उसको से कम है कोई। मैं एक टेबल स्पून करीब और इसमें कौन सा डाल दिया मैंने और इसको दो टेबल स्पून पानी मिला वापस ऑन किया। थोड़ा गाढ़ा होना है इसको ये देखें इसकी अभी दूध वाली कंसिस्टेंसी है गाढ़ा है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है। इसको समझे शेक जो होता है मिल्क शेक की तरह का गाढ़ा करना है। हाँ ये अब आ रहा है तो ऐसे 3 टेबल स्पून ना थोड़ा सा और अच्छा ठंडा होगा और गाढ़ा होगा तो ये ना की जगह बिल्कुल इसको आप चूल्हा बंद। अब दिस इज वेरी गुड कंसिस्टेंसी इस वक्त के लिए। शायद अब बेटा करीब आइए गाढ़ापन। अच्छा मैं आप गाढ़ेपन की दिखा दूँ अच्छी आपने बैक ऑफ द स्पून किया आपस में नहीं मिल रही है दिस इज गुड गाढ़ा सही है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अच्छा खोया ऊपर डाल सकते हैं थोड़ा सा रोक लूँगा थोड़ा इसमें डाल देंगे थोड़ा खोया भी इसको गाढ़ा करेगा। अच्छा खोया डाल के आप पकाएंगे तो देयर चांसेस खोया आपका इसको दूध को फाड़ दें। खोए को सूंघ लीजिएगा चखा लीजिए खोए में हल्की सी लगे कि खटास की महक है ना यूज़ कीजिएगा मीन्स कि आपका ये जो भी चीज़ बना रहे हैं ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब खोया ले लेता हूँ। आप ये चीज़ें कुछ आई हैं कुछ है अशरफियाँ नहीं ओहो अभी हमें अशरफियाँ पूरे इम्तियाज़ में भी नहीं अशरफियों की लाल काल पड़ी हुई है अशरफियाँ उसमें जाती हैं टॉपिंग के लिए अगर मिल जाए तो प्लीज़ डाल दीजिए लाल नीली पीली अशरफियाँ छोटी छोटी करके। तो यहाँ बाज़ार में हमें कहीं नहीं मिली आसपास हम पीछे जिसके इलाके में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ भैया इसी खोल दो अब तो हम गर्मी में भर जाएंगे। ये देखें इसको आपने इतना करना कि सर दाना ख़त्म हो जाए जो खोया था थोड़ा बहुत दाना नज़र आ रहा है ना इसको दिस के ये मेरा थोड़ा सा दूध ज़्यादा है तो बच भी जाएगा तो कोई बात नहीं आगे और आप मीठा बना लेंगे। अगेन इसमें चीनी बिल्कुल नहीं है हाँ क्योंकि नीचे शीरा बहुत मीठा है अगर ये आपने मीठा कर दिया तो फिर आपका बहुत डबल का मीठा हो जाएगा। आई डोंट नो डबल का मीठा है लेकिन ये जस्ट यू डोंट वांट दिस। अंबर शर्मा आस्किंग कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर की ना वनीला की महक आई है अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी खानों में वनीला की महक अच्छी लगती है तो डाल दें बिल्कुल। कस्टर्ड पाउडर बड़ा कस्टर्ड पाउडर कुछ भी नहीं है कॉर्नफ्लावर वनीला पाउडर और दैट्स इट और खूब सारे पैसे लेते हैं हम लोगों से दैट्स हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर काम होता है। चलिए देखें गाढ़ापन अब ये इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ठंडा होता तो ईजीली ये सेट हो जाता लेकिन टाइम की कमी है। थोड़ी देर में तो जम जाएगा ये सही जी। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए खोया भी डाल सकते हैं भाई हमने खोया भी डाला है इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल देते हैं तो ये आपकी पसंद है। पिस्ता बादाम ये ठंडा फ्रिज में रखिएगा ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में या फिर इवन ना और नहीं फ्रिज में रखिए इसको तो भारी अच्छा लगेगा वरना चीनी चीनी से जम जाएगी। पिस्ते बादाम
और चांदनी का पर अच्छी वाला, वरना ज्यादातर आपको सिगरेट की पन्नियां मिलती हैं। ईद के लिए समथिंग डिफरेंट, सेवैया तो बनती बनती, पर इसकी अपनी एक। हाँ जी मुना saying why you put corn flour, usually we cook milk long time. बिल्कुल आप कह सकते हैं it will be thick. वो आप कम से कम आपको घंटा डेढ़ लगेगा, या at least अगर आप तेज आंच पे करा नहीं 20-25 मिनट लगेंगे। अच्छा क्योंकि कमर्शियली जब बात कर रहा हूँ कि मैं अगर ये जो पकवान वाले हैं इनके पास इतना टाइम नहीं होता, ना इनकी कोई कॉस्ट आती है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये, आप दूध पका लें बेहतरीन बन जाएगा, अदरवाइज कंडेंस मिल्क यूज कर लें, एवेपोरेटेड मिल्क यूज कर लें, बल्कि उसको थोड़ा सा दो मिनट और पका लें तो अच्छा हो जाएगा। एनीवे थैंक यू वेरी मच जी, मैं अब MPFHS पे जाके चिकन फेजा स्लाइडर्स बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।